please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई लोकल में महिला के साथ बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि थाने के थाने से सीएसटी जा रही लोकल में एक आदमी ने महिला से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि लोकल में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिवाकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, गिरफ्तारी हो चुकी है इसकी? बिल्कुल नवजोत, पुलिस ने इस पूरे मामले की सबसे पहले जांच की कि वो आखिर जो महिला के साथ बदसलूकी करने वाला शख्स कौन है, और उसके बाद जब पुलिस ने पता किया तो सारे वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद जो है पुलिस ने उसके खिलाफ सेक्शन 307, सेक्शन 354 और कई अन्य धाराओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रात करीब 11 बजे जो थाने से सीएसटी जाने की लोकल चली थी, उसी में ये लगातार वीडियो सामने आया। एक वहाँ पे पब्लिक थी, वो जो उसने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसने वायरल कर दिया। तो कहीं ना कहीं वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर जो है आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लगातार पूछताछ की जा रही। नोटिस नजर बना रखी लौटे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुछ पुलिस वाले जमीन पर पड़े एक लड़के के शव का मुआयना करते दिखाई दिए। आरोप है कि दूसरी जाति के लड़के से शादी करने से नाराज लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। जिसकी खबर होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मकान के बाहर जमीन पर पड़े लड़की के शव की जांच करने लगी। आरोप है कि सरला नाम की इस लड़की की हत्या उसी के माता पिता और भाई ने की। जानकारी के मुताबिक सरला ने एक साल पहले घर से भागकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन गुरुवार को सरला के पिता और भाई ने माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उसको वापस घर बुलाया। पिताजी लड़की के और भाई वहाँ उसके पास गए, उसको बोले कि जो होना था हो गया और तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चल के देख लो। आरोप है कि जैसे ही सरला अपने पति पंकज के साथ मायके पहुंची, उसके पिता और भाई ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया। बीजेपी आज अपना 38वां स्थापना दिवस जोर शोर से मना रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई में आज 3 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उस रैली को बीजेपी की तरफ से मिशन 2019 का बिगुल फूंकने भी बताया जा रहा है। तो वहीं शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यूपी के रायबरेली में पुलिस वाला 2 लड़कों की हथेलियों पर डंडा मारता दिखा। ये घटना 10 दिन पहले की है, लेकिन जब ये पुलिस वाला लड़कों को पीट रहा था तो किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 10 दिन पहले के इस वीडियो में रायबरेली के लालगंज थाने के थानेदार रविंद्र सिंह 2 लड़कों की हथेलियों पर बेरहमी से डंडे मारते दिखे। इस दौरान मौके पर मौजूद एक महिला ने थानेदार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादती करने के आरोपी थानेदार ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने दोनों लड़कों को और सख्ती करने की चेतावनी भी दी। दोबारा अगर मिलेगा तो फेल जाओगे सबसे सबसे। पुलिस ने दावा किया कि दोनों लड़के लालगंज रेलवे स्टेशन के पास जुआ खेल रहे थे, इसलिए दोनों लड़कों को पकड़ा गया। लेकिन आरोप है कि दोनों पर केस दर्ज करने की बजाय थानेदार ने मौके पर ही उन्हें सजा देकर मामले में झटपट इंसाफ कर दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया।